डॉक्टर रवि, क्या ये जस्टिफिकेशन वाजिब लगती है कि भाई कोरोना जो है सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में बरपा रहा है और अनकंट्रोलेबल हो गया है? क्या वाकई में कुछ अलग वहां के ज्योग्राफिकल या वेदर चेंज एनवायरमेंट है या कुछ ऐसा है जो वहीं पर ये रोकथाम नहीं हो पा रही है, बाकी देश में बेहतर कर रहे हैं हम? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर महाराष्ट्र को लिया जाए तो हमारे पूरे देश की लगभग 8% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे देश के 35% केसेस जो है महाराष्ट्र के अंदर है। लगभग 50,000 केसेस आउट ऑफ 1.39 लाख केसेस जो है वो महाराष्ट्र में है, तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है। दूसरी चीज है, इसको हमें एग्जामिन करना चाहिए बहुत डिटेल के अंदर साइंटिफिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके ऊपर जंप स्टार्ट हमारे को एक्शंस ले लेने चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये स्थिति बड़ी डिटियोरेट कर जाएगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर हम इटली से कंपेयर करें, इटली की पॉपुलेशन 6 करोड़ है और यहाँ की पॉपुलेशन 12 करोड़ है। इटली के अंदर जहां की विश्व के इतने ज्यादा केसेस हुए थे वो 2,25,000-23,000 के करीब हुए थे, अगर उस कंपैरिजन में देखें तो महाराष्ट्र में 1 लाख केस हो गए अगर कंपैरिजन करें, और इस तरह से अगर हालत डिटियोरेट होती रही तो यहाँ पे कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। डेफिनेटली सरकार को देखना चाहिए कि तुरंत जो है वहां पे वेंटिलेटर्स, प्रोटेक्शन किट्स। मैं एक चीज बताऊं, जैसे